नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की कमी के बारे में, जिसे कि हम हाइपोक्सेमिया भी कहते हैं, यानी कि लो ब्लड ऑक्सीजन। दोस्तों, हमारा खून पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित करता है। जब आपके खून में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो तो उस स्थिति को हाइपोक्सेमिया या ऑक्सीजन की कमी कहते हैं और यह एक खतरनाक स्थिति होती है। यह फेफड़ों संबंधी विभिन्न समस्याओं जैसे कि लंग कैंसर, निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह के कारण हो सकती है। इसके अलावा हार्ट संबंधी समस्याएं होने पर भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर सिरदर्द होना और सांस फूलना वगैरह समस्याएं होने लगती है और कुछ गंभीर मामलों में ऑक्सीजन की कमी होने पर हार्ट और मस्तिष्क यानी कि दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। जिन लोगों को श्वसन या हार्ट संबंधी समस्याएं हैं या फिर जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा सबसे अधिक रहता है और खून में ऑक्सीजन के स्तर की जांच करके ऑक्सीजन की कमी का पता लगाया जाता है और इस टेस्ट को आर्टेरियल ब्लड गैस कहा जाता है, जिसमें कि धमनी से खून का सैंपल लिया जाता है। और इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट की मदद से भी खून में ऑक्सीजन के स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा उपकरण होता है जिसको उंगली के सिरे पर लगाया जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने से उत्तकों में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि खून पर्याप्त मात्रा में उत्तकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता और उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और स्थिति का इलाज करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और सांस के द्वारा ली जाने वाली कुछ दवाएँ भी दी जाती है। और इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी का कारण बनने वाली स्थिति का इलाज भी किया जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने पर आपका दिमाग, लीवर व अन्य लक्षण शुरू होने के कुछ ही मिनटों के अंदर खराब हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी क्या होती है। तो खून जो है वो शरीर के सभी हिस्सों में मौजूद हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे कि वह स्वस्थ रह पाती है। और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो स्थिति को हाइपोक्सेमिया या शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी शरीर में तब होती है जब खून में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होना सांस संबंधी या ब्लड सर्कुलेशन संबंधी समस्याओं का संकेत देता है और इससे सांस फूलने जैसे श्वसन संबंधी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और यदि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो गया है तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले लक्षण स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करते हैं और इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन जितनी कम होती है उसके लक्षण उतने ही गंभीर होते हैं। ऑक्सीजन की कमी से आमतौर पर कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि सिरदर्द होना, सांस फूलना, दिल की धड़कनें तेज़ होना, खांसी होना, गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, उलझन महसूस होना, ज़्यादा पसीना आना। और यदि ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो गया है तो पीड़ित व्यक्ति पर्याप्त सांस लेने के लिए पेट की मांसपेशियों का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर जितना कम होता रहेगा उसके लक्षण उतने ही गंभीर होते जाएंगे और जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो वे नष्ट होने लग जाती है और इसीलिए ऐसी स्थिति में हाथों व पैरों की उंगलियाँ, होंठ और नाक जो है वो नीले पड़ने लग जाते हैं। और बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो गंभीर रूप से ऑक्सीजन की कमी होना एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि आपको इससे गंभीर लक्षण होने लगे हैं, खासकर यदि आपको COPD या अन्य कोई ऐसी बीमारी होने लगी है जो ऑक्सीजन की कमी का संकेत देती है, तो ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर की मदद लें। यदि आपको कुछ समस्याएँ महसूस हो रही है तो भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि हल्की सी शारीरिक मेहनत करने के बाद या आराम करने के दौरान सांस फूलना, शारीरिक रूप से गतिशील होने या एक्सरसाइज करने पर गंभीर रूप से सांस फूल जाना, सांस फूलने के कारण रात को नींद से जागना या दम घुटने जैसा महसूस होना, और ये स्लीप एपनिया के लक्षण भी हो सकते हैं। श्वसन संबंधी रोगों से ग्रस्त कुछ लोगों को रात के समय ऑक्सीजन कम होने की समस्या होती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नींद के दौरान सोने की प्रक्रिया में बदलाव होता है जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। यदि आपको रात के समय ये लक्षण महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं कि ऑक्सीजन की जो कमी है ये क्यों होती है। तो ऐसी कई समस्याएँ व स्थितियाँ हैं जो खून द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कुछ सबसे सामान्य कारणों की बात करें तो हार्ट संबंधी स्थितियों की बात करें तो उनमें हैं बच्चों में जन्मजात हृदय रोग और वयस्कों में जन्मजात हृदय रोग। और अगर हम बात करें फेफड़ों संबंधी समस्याएँ की तो अस्थमा, वातस्फीति, ब्रोंकाइटिस, ARDS, COPD, निमोनिया और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाना जहाँ की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, दर्द शांत करने वाली शक्तिशाली या अन्य कोई समस्या जो कि सांसों की गति को धीमा कर देती है, स्लीप एपनिया जो कि नींद के दौरान ठीक से सांस ना ले पाना एक ऐसा रोग, और फेफड़ों के उत्तकों में स्कार बनना या सूजन व लालिमा हो जाना।
अब बात करें कि ऑक्सीजन की कमी होने का खतरा कब बढ़ता है। ऑक्सीजन की कमी होने के कुछ जोखिम कारक हैं, जैसे कि एनीमिया, न्यूमोथोरेक्स यानी कि फेफड़े सिकुड़ जाना, पल्मोनरी एडिमा यानी कि फेफड़ों में अधिक द्रव भर जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि फेफड़े के अंदर की धमनी में खून का थक्का बन जाना, कुछ प्रकार की दवाएं जैसे कि नशीले पदार्थ यानी कि नारकोटिक्स या बेहोशी की दवाएं वगैरह जो कि सांसों की प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है, और साथ ही साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी कि फेफड़ों में स्कार बन जाना या फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाना और स्लीप एपनिया, ऐसी स्थितियों में इसका ऑक्सीजन की कमी होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी के इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है खून में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना। डॉक्टर जो है वो स्थिति का कारण बनने वाली जो अंदरूनी स्थितियाँ होती हैं उनका इलाज करने के लिए भी कुछ प्रकार की जो दवाएं हैं वो लिख सकते हैं, और ये दवाएं आमतौर पर सांस के द्वारा ही दी जाती है जो कि सांस के माध्यम से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। कुछ गंभीर मामलों की बात करें तो उनमें डॉक्टर जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, और इसमें जो है कैन्यूला नाम का एक उपकरण होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है, और इस उपकरण को नाक के बाहरी हिस्से में एक मास्क की मदद से लगाया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी प्राप्त करने का स्थान और समय जो है वो लोगों की अलग अलग ज़रूरतों पर निर्भर करता है। आप एक पोर्टेबल मशीन जिसको साथ भी ले जाया सके उसके साथ घर पर या फिर यात्रा करने के दौरान भी ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में भी पोर्टेबल मशीन के साथ ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है। मरीज को अस्थमा की दवाएँ भी दी जा सकती है जो कि मुँह के द्वारा या फिर सांस के द्वारा ली जाती है, और ये दवाएं ठीक से सांस लेने में मदद करती है, और यदि इन दवाओं से आराम ना मिले तो डॉक्टर आपको बाहों की नसों में दवाएं देते हैं। आपको जो है फेफड़ों में सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड दवाएं और इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और जब मरीज का जीवन खतरे में हो और कोई इलाज काम ना कर पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में मरीज को सांस लेने में मदद करने वाली मशीन की आवश्यकता भी पड़ती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। तो इलाज की मदद से हाइपोक्सिया के जो लक्षण है उसको ठीक हो जाते हैं, और कुछ मरीजों को एक ही बार इलाज करवाना पड़ता है और कुछ लोगों का इलाज निरंतर चलता रहता है, और यह स्थिति के कारण पर निर्भर करता है। डॉक्टर जो है आपके लक्षणों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे ताकि आप एक स्वस्थ व एक्टिव जीवन जी सकें। यदि आपके खून में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है तो यह आपके अंगों वह उत्तकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, और यदि थोड़े समय में यह गंभीर हो जाए तो यह स्थिति जीवन के लिए घातक हो सकती है, या फिर यदि यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो इससे दिमाग और हार्ट प्रभावित हो जाते हैं। और ऑक्सीजन की कमी से कुछ जटिलताएँ भी होती हैं, जैसे कि बातचीत ना कर पाना, अत्यधिक उलझन महसूस होना, कोमा में चले जाने की आशंका, और साथ ही साथ मरीज की मृत्यु हो जाना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।